सो वेन जब भी हम बात करते हैं हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन और व्हाट वी से नोजोकोमियल इन्फेक्शन, विच मींस वो इन्फेक्शन जो हेल्थ केयर रिलेटेड केयर के दौरान बच्चे को मिल जाती है, दैट मींस इन्फेक्शन द बेबी केम टू अस विदाउट इन्फेक्शन एंड व्हेन ही वाज इन एनआईसीयू फॉर द केयर ही गॉट इन्फेक्शन व्हाइल बीइंग केयर्ड फॉर. वेरी सिंपल, दैट मींस द थ्री क्राइटेरिया दैट वी हैव टू मीट इज व्हाट, जब बच्चा आया वो बिना इन्फेक्शन का था, कुछ समय बीता दैट मींस मिनिमम 48 घंटे, जब वो हम मोटे तौर पे सोचे दैट वो बिना इन्फेक्शन के था और केयर के दौरान इन्फेक्शन हुआ, एंड थर्ड पैरामीटर वुड बी वो जो मैनिफेस्टेशन है हम उसे अट्रीब्यूट और क्वालिफाई कर सके. हमें ये समझना होगा कि इन्फेक्शन इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन आर एनआईसीयू. व्हाई इज इट सो इम्पॉर्टेंट? देर आर टू मेनी मॉर्बिडिटी विच इज एसोसिएटेड विथ इन्फेक्शन. वन इज अ डायरेक्ट वेर यू हैव अ इन्फेक्शन पर से, एंड देर आर समथिंग इनडायरेक्ट वेर दी दोज थिंग्स गेट्स कॉम्प्लिकेटेड. आपने भी देखा होगा कि जब इन्फेक्शन हो जाता है तो बच्चे को क्या हो जाती है, पीडीए खुल जाता है. जब भी बच्चे को इन्फेक्शन हो जाते हैं तो साथ में एनएसी कंपाउंड होने लगता है. जब भी इन्फेक्शन बढ़ जाता है तो आरओपी का रिस्क बढ़ जाता है. तो बहुत सारी चीजें हैं जो इन्फेक्शन के लिए डायरेक्टली होती हैं और कुछ सारी इनडायरेक्टली. सो वॉट वी नो दैट इट कॉजेस सिग्निफिकेंट मॉर्बिडिटी एंड कई दफा डेथ हो जाते हैं. सो द मोर्टैलिटी इन दी एनआईसीयू. व्हेन वी से नोजोक्यूमियल इन्फेक्शन, अगर हम उसमें अलग अलग कैटेगरीज देखें जो आप सब डिस्कस कर रहे होंगे आज, वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया इज वन ऑफ द मेन रीजन, और इनफैक्ट इफ यू लुक एट द स्टैटिस्टिक्स दिस इज द सेकेंड मोस्ट कॉमन नोजोक्यूमियल इन्फेक्शन दैट वी हैव. एंड इफ इट अकर्स व्हाट इट कॉजेस, ये क्या करेगा, आपके हॉस्पिटल स्टे को बढ़ा देगा तो आपकी कॉस्टिंग बढ़ जाएगी, साथ में क्या करेगा, एंटीबायोटिक आप उसे ट्रीट करने के लिए यूज करेंगे तो एंटीबायोटिक एक्सपोजर हो जाएगा जिसके अलग से ही प्रॉब्लम है, और साथ में जैसा हमने डिस्कस किया कि वो चीजों को कंपाउंड कर देगा जैसे कि आरओपी एनएसी डक्ट का खुलना, एंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है लॉन्ग टर्म न्यूरो डेवलपमेंटल आउटकम को अफेक्ट करेगा. हम सारे लोग कंसर्न एक ही चीज के लिए होते हैं कि बच्चे का सर्वाइवल हो बट वो इंटैक्ट सर्वाइवल हो. दैट मींस द पेरेंट शुड नॉट बी कमिंग बैक टू हॉस्पिटल टाइम एंड अगेन वंस वी हैव डिस्चार्ज द किड फ्रॉम द एनआईसीयू. करेक्ट? सो वी ऑल आर एमिंग फॉर दैट. सो वी कैन सी दैट व्हेनेवर वी देयर इज अ नोजोकोमियल और हेल्थ केयर रिलेटेड इन्फेक्शन वी आर ऑलवेज वरीड फॉर अ लॉन्ग टर्म डेवलपमेंटल आउटकम. ओके, अभी कोई भी चीज होगी तो सबसे पहले हमें डिफाइन करना होगा. डेफिनेशन किसी भी चीज के लिए क्यों जरूरी होती है, बिकॉज जब भी आप रिपोर्ट करेंगे, जब भी आप बोलेंगे किसी चीज को, तो आपके लिए एक स्टैंडर्ड होना है कि हाँ ये सारी चीजें होती हैं तो ये बीमारी या ये चीज हुई, तभी आप उस चीजों को अकाउंट करेंगे. जब आप अकाउंट करेंगे और तब आप उसके विषय में इंटरवेंशन, दैट मींस कि जो स्टैटिस्टिकल डेटा आप जनरेट करेंगे वो आपको हेल्प करेगा अपने सिस्टम में इम्प्रूवमेंट लाने के लिए, बिकॉज यू नीड टू हैव अ बेसलाइन डेटा बिफोर यू से. एंड द सेम थिंग अप्लाइज फॉर अ हॉस्पिटल केयर रिलेटेड और हेल्थ केयर रिलेटेड इन्फेक्शन, नोजोकोमियल इन्फेक्शन. सो वी नीड टू हैव अ क्लियर कट डेफिनेशन. तो ये डेफिनेशन देने का कार्य जो है, ये अगर हम देखें तो सीडीसी ने डिफाइन किया वैप, जिसको वेंटिलेटर एसोसिएट निमोनिया हम बोल रहे हैं, बट ये डेफिनेशन न्यूबॉर्न पॉपुलेशन के लिए बहुत स्ट्रिक्ट नहीं है. क्यों नहीं, हम अगर हम इस डेफिनेशन को देखें जहां पर उन्होंने बोला कि आप रेडियोलॉजिकल विच मीन्स आप एक्सरे देखेंगे, अगर निमोनिया हुआ आप देखेंगे कि बच्चे को क्लिनिकल तकलीफ हुई, तीसरा आप क्या देखेंगे, आप ब्लड जो आपने स्वैब लिया या ब्लड कल्चर लिया आप उसमें ग्रोथ आया, तो इन तीनों चीजों को अगर हम मिला के और फाइनली हम डायग्नोसिस देंगे. बट जो डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया सीडीसी ने दिया उसमें अगर हम देखें तो न्यूबॉर्न पॉपुलेशन, क्योंकि उनके जो मैनिफेस्टेशन है उनकी जो तकलीफें हैं वो बहुत ओवरलैपिंग है. जैसे अगर कोई बच्चे को बीपीडी ऑलरेडी हो गया है एंड उसे हम एक्सरे देख के हम बोले ये निमोनिया है या बीपीडी, कई दफा डिफिकल्ट हो जाता है डिफ्रेंशिएट करना. सो देर इज अ सिग्निफिकेंट ओवरलैप ऑफ द क्लिनिकल फीचर्स ऑफ वैप विथ अदर पल्मोनरी पैथोलॉजी, मतलब लंग के और भी तकलीफों के साथ. दैट इज द रीजन एंड दिस इज मोर सो इन दी प्री टर्म पॉपुलेशन. सो द डेफिनेशन विच इज गिवन बाय द सीडीसी विच इज एप्लीकेबल फॉर लेस देन 1 ईयर ऑफ एज, वॉट करेंटली वी आर यूजिंग इज टू बी टेकन विद लिटिल पिंच ऑफ सॉल्ट व्हेन वी आर यूजिंग द सेम फॉर अ प्री टर्म बेबी. करेक्ट? नाउ ये वैप वैप करके हम बोलते तो रहते हैं,
और हमने बोला हेल्थ केयर, तो ये सारी चीजें क्या है, मेडिको लीगल हो सकती है आपके, विच मीन्स दैट मीन्स देर वुड बी अ लिटिगेशन दैट द बेबी गॉट इन्फेक्शन इन दी एंड ऑल दीज वर्ड्स दे आर स्लोली बींग फेज्ड आउट. सो ये जो हमारा नेशनल, नॉट आर्स, जो हमारा नेशनल हेल्थ केयर सेफ्टी नेटवर्क, उन्होंने अभी 2021 में जो वैप था उसे चेंज करके अभी बोलने लगे हैं वेंटिलेटर एसोसिएटेड इवेंट्स इन न्यूबॉर्न. तो जो वैप है उसे हम VAE. तो जब भी आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गाइडलाइन अगर आप देखेंगे कुछ चीजों को, तो वो आपको क्या VAE बोलेगा, वेंटिलेटर एसोसिएटेड इवेंट्स, करेक्ट. सो टिल नाउ व्हाट वी हैव लर्नड, व्हाट जो बच्चे हमारे न्यूबॉर्न केयर के लिए हैं, उन्हें एक अगर इंट्यूबेटेड हो तो उन्हें इन्फेक्शन होता है निमोनिया के रूप में, जिसे हम वैप बोलते थे, अभी हम उसे VAE करके डिफाइन करते हैं. अगर हम आगे चले और डेफिनेशन को और बारीकियों से देखें, तो क्या है, सबसे पहले चीजें क्या होती है, आप क्लिनिशियन होते हैं, आप सब लोग बेड साइड में काम करते हैं, तो क्या देखते हैं, दोज आर क्लिनिकल फीचर्स. तो क्लिनिकल फीचर्स कैसे डिफाइन करता है, वर्सनिंग ऑफ गैस एक्सचेंज, विच मीन्स कि जो बच्चा किसी पर्टिकुलर सेटिंग पे आपने वेंटिलेटर पे डाला था उसमें वो डिटोरिएट कर रहा है. डिटोरिएशन किस चीज की हो सकती है, क्या होगी, ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी, करेक्ट, या फिर और क्या होगा, जिस प्रेशर पे आप वेंटिलेट कर रहे थे उस प्रेशर की रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी, तो दैट मीन्स इंक्रीज इन रेस्पिरेटरी सपोर्ट दैट ही हैड, करेक्ट. साथ में बाकी और क्या चीजें हो सकती हैं बच्चों में, सो टेम्परेचर इनस्टेबिलिटी होगी, मतलब बच्चा हाइपोथर्मिक होने लगा जो सेम टेम्परेचर पे मेंटेन कर रहा था. और अगर आप ब्लड टेस्ट भेजेंगे तो या तो TLC काउंट कम है या TLC काउंट ज्यादा है. जब भी आप बच्चे को, वेंटिलेटेड बच्चे की सिक्रीशंस को देखते हैं और आप देखते हैं कि वो पुरुलेंट हो गया, दैट मीन्स वो पस के जैसे आ रहा है या जैसा पहले आ रहा था उसमें कुछ बदलाव आ गया है, विच मीन्स कि बच्चे को कुछ नई चीज हुई और जो VAE या वैप हो गया है. साथ में और क्या चीजें हो सकती है, बच्चा वो एपनिया विच इज अ वेरी कॉमन, या फिर फास्ट ब्रीदिंग, दैट मीन्स डिससिंक्रनी ज्यादा होने लगेगी. इसके अलावा जो वीज, रॉन्काई, कॉफ, ये सारे बड़े बच्चों के लिए होते हैं, जनरली न्यूबॉर्न्स इनके साथ नहीं होती है. जब बच्चे में क्लिनिकल डिटोरिएशन होगा, दूसरी चीज आप क्या करेंगे, रेडियोलॉजिकल, मतलब आप एक्सरे देखेंगे और एक्सरे देखने के बाद आप एक्सरे में फाइंडिंग्स को देखेंगे. तो सबसे कॉमन चीजें क्या है, इनफिल्ट्रेट, जो हम एक्सरे देखेंगे उसमें निमोनिया जैसे पैच दिखने लगेंगे, जो कि अलग अलग तरह के कॉन्सोलिडेशन, और ये बड़े बच्चों के लिए हम कैविटेशन वगैरह बोलते हैं. माइक्रोबायोलॉजिकल डेफिनेशन की तरफ अगर हम जाएंगे, जो कॉम्पोनेंट है उसमें बेसिकली वो हमें बोलते हैं, ब्लड कल्चर अगर पॉजिटिव आ गया और हमें कोई और फोकस नहीं मिल रहा है, आपने अगर प्लूरल फ्लूइड निकाला और उसे कल्चर किया और उसमें ग्रोथ आया, देन यू कैन अट्रिब्यूट इट टू दिस. तीसरी चीज जो डिफिकल्ट है बच्चों में करनी, वो क्या है, ब्रोंको एल्वियोलर लवाज, और दैट मींस जो भी हम सिक्रीशन उनके एयरवे से निकालते हैं उसे हमें ये अंतर करना कि वो कोलोनाइज हो गया. कोलोनाइज जैसे कि हम सारे लोग कोलोनाइज होते हैं, हमारे स्किन पे एक नॉर्मल फ्लोरा होता है, हमारे ओरल कैविटी में एक नॉर्मल फ्लोरा है, तो या हमारे इंटेस्टाइन्स में एक फ्लोरा है, ये सारे नॉर्मल फ्लोरा होते हैं. कई दफा जब भी हम बीमार होते हैं और NICU के अंदर बच्चा होता है, तो बच्चे के ऊपर क्या होता है, बच्चे के ऊपर भी NICU का फ्लोरा आ जाएगा, तो जिसे वो कोलोनाइज कर जाएगा, बट वो डिजीज हो सकता है नहीं कर रहा हो, इन्वेजिव डिजीज, तो कॉलोनी काउंट करके हम उसे डिफ्रेंशिएट करने की कोशिश करते हैं. तो इस कारण ही उन्होंने कट ऑफ दिए हुए हैं. हम इन सब चीजों को बहुत याद करने की आवश्यकता नहीं होती, हमें ये समझना है कि जब भी हम बच्चा हमारा वेंटिलेटेड है और क्लिनिकल डिटोरिएशन स्टार्ट हुई, हमारे एक्सरे में कुछ फाइंडिंग आने लगे और अगर हमने कुछ माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्ट किया और पॉजिटिव आया, तो हम ये अट्रिब्यूट कर सकते हैं कि हाँ, ये एक वेंटिलेटर एसोसिएटेड इवेंट हुआ और अभी जो हम बोलते हैं वैप हुआ, करेक्ट. क्यों जरूरी है, क्योंकि तभी हम जाके खोज पाएंगे, ढूंढ पाएंगे कि क्या रीजन था जिसके कारण प्रिवेंट, हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं. तो किसी चीज को डिफाइन करना इसलिए जरूरी है ताकि हम उसके प्रिवेंशन एस्पेक्ट की तरफ जाएंगे. एक्सक्यूज मी, ओके. लेकिन ये सारी चीजें तो थोड़ी डिफिकल्ट होती हैं. तो अभी जो नई NHSA ने जो हमें डिफाइन किया है, उसमें उन्होंने सिंपल बोला कि अगर FIO2 रिक्वायरमेंट बढ़ जाए 25 थोड़ा सा ज्यादा, और या फिर प्रेशर बढ़ जाए, तो हम उसे बोलेंगे VAE, करेक्ट. आई रिक्वेस्ट एवरी वन टू कीप आस्किंग क्वेश्चन, अगर आप बीच में कुछ भी आपको लगता है तो बोल पूछ सकते हैं. ये मोनोलॉग तो मतलब ये दीवार मूवी का डायलॉग नहीं है, वो आप बीच में भी चल सकती है,
वार्तालाप, तो आप यू प्लीज आस्क क्वेश्चंस एंड बी मोर इंटरैक्टिव. दैट इज द रीजन वी आर गोइंग स्लो, सो दैट यू हैव ऑल द अपॉर्चुनिटी टू डिस्कस एंड आस्क. ओके, सो अभी क्या है कि ये क्राइटेरिया जो हमने डिफाइन किया ये थोड़े डिफिकल्ट हैं, बिकॉज ये न्यू बॉर्न छोटे बच्चों के लिए वैलिडेट नहीं है. वैलिडेट मतलब कि हमने इन सब चीजों के न्यू बॉर्न के लिए यूज करके बहुत अच्छे से डिफाइन सेपरेट नहीं किया है. जो एक्सरे पिक्चर होंगे, जैसा हमने डिस्कस किया कि नॉर्मल प्रीटम बच्चे की जो बीमारी होती है और वैप के दोनों कॉमन हो जाएंगे तो हमें कंफ्यूजन होगी उस स्थिति में. तीसरी क्या होगी, जो हमें वो माइक्रोबायोलॉजिकल ग्रोथ के लिए स्पेसिमेन चाहिए, जैसे ब्रोंकोएल्वियोलर लवाज करके, या हमारे लिए छोटे बच्चों में करना बहुत ही डिफिकल्ट सिनेरियो है. करेक्ट. सो इसी के लिए अगर हम देखें चीजों को, तो बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे स्टडी की और डेफिनेशन अलग अलग यूज करके बोला कि ये वैप हो रखा है. और अगर हम इस स्लाइड को ध्यान से देखें तो इसमें बस एक ही चीज देखने की आवश्यकता है जो मैंने मार्क किया है, कि जो इंसिडेंस है, ये हम जब भी कोई चीज बोलते हैं तो क्या होता है, एक ऊपर न्यूमरेटर होता है, एक डिनोमिनेटर होता है, जिसमें कि मान लीजिए हमने बोला 100 पार्टिसिपेंट्स थे, उसमें 10 को 100 के ऊपर आया, तो जो 100 हो गया वो डिनोमिनेटर हो गया. तो जो वेंटिलेटर डेज हो गए तो वो हम 1000 का डिनोमिनेटर मान के हमने देखा. तो इसको देख के हमें ये पता चलता है कि बहुत कॉमन है, ऐसा नहीं कि इट इज लेस कॉमन, तो बहुत ज्यादा कॉमन है. एंड ये हमारे पेशेंट्स, दैट मीन्स न्यूबॉर्न में ज्यादा देखे जाते हैं. क्यों ऐसा है? बिकॉज हमारे जो न्यूबॉर्न है वो सारे क्या है, दे आर इमैच्योर. हम बोलते हैं ना कि प्री मैच्योर हो गया, इमैच्योर हो गया. तो एक तो उनकी एनाटमी जो होती है वो अंडर डेवलप होती है, दैट मीन्स उनके जो फेफड़ों की बनावट है, जिसमें कि उनको सर्फेक्टेंट की डेफिशिएंसी हो जाती है किसी कारण से, बीपी मतलब जो उनका लंग का जो सेल का जो स्ट्रक्चर है उसमें तकलीफ हो जाती है जब भी इन्फेक्शन होते हैं. दूसरी चीज क्या होती है, हम बार बार कई दफा बच्चा इंट्यूबेट 2-3 दफा कर रहे होते हैं, तो आप बार बार मल्टीपल इंट्यूबेशन करेंगे तो आप इंजरी करेंगे और साथ में आप इन्फेक्शन भी अंदर देंगे. एक वर्ड हमने लिखा है डिसबायोसिस. डिसबायोसिस मतलब कि जो नॉर्मली मोटे तौर पर समझना है कि जो हमारा एयर वे या कैविटी जैसे इंटेस्टाइन हो गई, जो नॉर्मल फ्लोरा की वजह है, वो कोई भी पैथोजेनिक फ्लोरा जो कि आपके सेटअप में होगा, अगर वो चला जाए तो वो उस चीज को रिप्लेस कर देता है, उसको अफेक्ट कर देता है उस नॉर्मल फ्लोरा को, और इस चीज को डिसबायोसिस बोलते हैं. करेक्ट. और इस चीज के बारे में तो हम सारे लोग अवगत है कि दैट मीन्स न्यूबॉर्न्स जो है वैसे ही दे हैव गॉट लेस ऑफ इननेट एंड एडेप्टिव इम्यूनिटी, मतलब उनकी इम्यून सिस्टम थोड़ी कमजोर होती है. एंड दैट इज द रीजन, ये जो हमने स्टडीज देखा तो देखा कि वैप जो है बहुत ज्यादा कॉमन होते हैं. देर आर टू मेनी अदर रिस्क फैक्टर्स वी वोंट गेट इनटू. अ वर्ड अबाउट ये होता कैसे है. जैसे ही हमने बोला कि यह वैप हो रहा है, वैप हो रहा है, तो हमें समझना है कि यार ये होता क्यों. और ये दो स्लाइड हमें इसलिए समझना है बिकॉज सारे इंटरवेंशन, सब कुछ हम क्या कहते हैं वो रूट कॉज एनालिसिस, मतलब आपने कारण ढूंढा तभी तो आप, हम जब तक आप किसी चीज को समझेंगे नहीं, यू वोंट बी एबल टू मेक अ चेंज टू इट. करेक्ट. तो सबसे इस स्लाइड को देखेंगे तो जब भी हम पैथोजेनेसिस मतलब क्यों ऐसा हो रहा है हम बोलेंगे, तो या तो बाहरी कारण हो सकते हैं या अंदरूनी कारण हो सकते हैं. व्हाट इज कॉल्ड एंडोजेनस फैक्टर एंड एक्सोजेनस फैक्टर. एंडोजेनस फैक्टर मींस क्या है, अगर आप देखेंगे तो एंडोजेनस सोर्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होगा, जो इम्पेयर्ड नेचुरल प्रोटेक्शन और क्लियरेंस सिस्टम जो होता है हमारे गले में, जो नेसोफैरिंक्स या मुंह के अंदर जो ओरोफैरिंक्स बोलते हैं, वो थोड़ा खराब हो जाता है. क्या हो जाता है वहां पे, फिर डिसबायोसिस और कोलोनाइज करने लगते हैं बैक्टीरिया जब भी आप इंट्यूबेट करेंगे. करेक्ट. साथ में जो नीचे जहां पे इंडोट्रिकल ट्यूब जहां तक है, सारे उसके सराउंडिंग में वहां पे जाके एक्यूमुलेशन हो जाएगी और बैक्टीरियल कोलोनाइजेशन हो जाएगी. जब भी ये सारे चीजों का मतलब आप ओरोफेरिंग्स, ट्रिकल सिक्रेशन, ये जो जमा हो रखे हैं, अगर वो ट्रिकल डाउन करके फेफड़े में चले गए, लंग में चले गए, तो क्या होगा, निमोनिया हो जाएगा. करेक्ट. अभी हमें ये क्यों समझना है, क्योंकि हम अपना जो बंडल बनाएंगे और अपना जो इंटरवेंशन करेंगे ये सारी चीजों को रोकने के लिए, कम करने के लिए, सो दैट कि जो भी हमारा कोलोनाइजेशन कम हो, अगर हो रहा है तो ट्रिकल डाउन ना करें, हम उसको पहले सक करें. करेक्ट. सो जो हम पैथोजेनेसिस और फैक्टर जिसमें हम डिफाइन करते हैं, तो इंडोजेनस फैक्टर में ये है जिसमें कोलोनाइजेशन ऑफ द ओरोफेरिंक्स, नेसोफेरिंक्स एंड ट्रेकिया हो गया. करेक्ट. नाउ अगर हम एक्सोजेनस फैक्टर को देखें, तो एक्सोजेनस मीन्स बाहर से, तो बाहर से हम क्या, हम सारे लोग सबसे पहली चीज क्या है,
हमारे हाथ जिसे हम हैंडल करते हैं, तो हैंड्स ऑफ हेल्थ केयर वर्कर। दूसरा क्या है, जो सर्किट हम यूज कर रहे हैं अगर उसमें कोई तकलीफ हो जाए तो दैट बिकम्स द अदर पोर्टल और द सोर्स। थर्ड, जब भी बायोफिल्म, एक तरह का फिल्म जो कि जब भी आप कोई फॉरेन बॉडी एक ट्यूब डालेंगे जिसके ऊपर बन जाती है और जिसके कारण निमोनिया होने का खतरा होता है। सो द अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस एक्सोजिनस एंड इंडोजिनस फैक्टर इज इंपॉर्टेंट बिकॉज यू आर गोइंग टू टारगेट दिस, करेक्ट? ओके, अभी हमने देखा कि व्हाट इज वैप, हम वैप क्यों होता है, करेक्ट? पैथोजेनेसिस देखिए, व्हेन वी टॉक अबाउट अ बंडल कॉन्सेप्ट, बंडल मींस कि बेसिकली अ ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज, टू डिफाइन इट एज सिंपल एज दैट, हमने जो बंडल कॉन्सेप्ट, ये बेसिकली कहां से आया, दैट विल आल्सो सी। अगर हम देखें कि अगर CDC ने जो गाइडलाइन दी, ये जो बेसिकली एडल्ट के लिए थी, तो एडल्ट के लिए क्या था, उन्होंने बोला कि जब भी जो एडल्ट ICU में पेशेंट वेंटिलेटर पे है, उसके लिए चार चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्या है, पेप्टिक अल्सर प्रोफाइलैक्सिस देना है, पेशेंट मूव नहीं कर रहा है तो डीप वेन प्रोफाइलैक्सिस देना है, हेड को एलिवेट करना है ताकि वो एस्पिरेट ना करे, और सिडेशन वेकेशन देना है जिसमें कि सिडेशन ऑफ करके रखना है। ये तो एडल्ट के लिए उन्होंने एक बंडल बनाया और बोला कि हर पेशेंट के लिए ये चीजें फॉलो करेंगे ताकि उनको वैप नहीं हो, करेक्ट? बट हम इन सब सेम चीजों को अपने न्यूबॉर्न के लिए तो यूज नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं यूज कर सकते हैं? बिकॉज हमारा न्यूबॉर्न, हम जनरली वी डू नॉट, मतलब हम उनको बिल्कुल बेहोश ऐसा नहीं करते हैं, दे आर मोर एक्टिव इवन इफ दे आर ऑन अ वेंटिलेटर, हम मिनिमल सिडेशन दे रहे होते हैं। दूसरी चीज, डीप वेन थ्रोम्बोसिस वाली प्रोफाइलैक्सिस की जरूरत नहीं होती है, और जो पेप्टिक अल्सर प्रोफाइलैक्सिस है इसके लिए भी डाउटफुल होता है, उसमें आप क्या देंगे, किस तरह की दवाई देंगे। तो ये चीजों को हमको इस बंडल को, जो कि एक्सेप्टेड वैलिडेटेड बंडल है CDC एडल्ट ICU के लिए, हमें अपने लिए हमें इनको मॉडिफाई करने की जरूरत होती है, करेक्ट? सो दिस इज द थर्ड थिंग दैट वी हैव टू लर्न। नाउ जब हम ये बंडल 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 बोलते रहते हैं कि हाँ ये बंडल करना है, आप सोचिए कि ये बंडल है क्या। बेसिकली कोई भी चीज करने के लिए अगर आप एक स्ट्रक्चर्ड वे में करेंगे सो तो आउटपुट अच्छा होता है ना। आप अगर, जैसे हम बेसिक्स क्या सिखाते हैं कि जब भी आप बच्चे को टच करते हैं तो क्या करना होता है, यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड, कि आप बच्चे को सबसे पहले जब टच करेंगे तो वो मोर इम्पॉर्टेंट टू लेस इम्पॉर्टेंट, दैट मीन्स कि अगर आपने आए बच्चे के पास उस वक्त उसका कुछ रूटीन होना है तो सबसे पहले आप IV लाइन टच करेंगे बिकॉज आपने ग्लव्स कर या हाथ धो के बहुत क्लीन तरीके से किया है। फिर लास्ट थिंग क्या करेंगे, आप डायपर चेंज करते हैं, वैसे ही आप बच्चे को पहले वहां से करके फिर आप बाहर की तरफ जाते हैं, मतलब फ्रॉम बेबी टू आउट वर्ड जाते हैं, करेक्ट? तो ये एक प्रोसेस डिफाइन होता है हर यूनिट का, अपना अपना वो बना के रखते हैं कि हमें कैसे करना है। सो अ बंडल इज व्हाट, बेसिकली इट्स अ स्ट्रक्चर्ड वे ऑफ इंप्रूविंग द प्रोसेस ऑफ केयर एंड आउटकम। तो जो भी आपका केयर का प्रोसेस है वो आप वो ठीक करेंगे तो आपके आउटकम अच्छे हो जाएंगे। अभी लोगों ने बोला यार ये चेकलिस्ट और बंडल में फिर अंतर क्या हो गया, दोनों तो एक ही हो सकते हैं। हमने तो 15 चेकलिस्ट बना दिए कि भाई जो भी नर्सिंग स्टाफ होगा वो आएगा, कट 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 20 करेंगे, ये सारे लंबी तगड़ी 25 की लिस्ट बन गई और हमने बोला ये सारे चीज होने हैं। तो अगर आप साइंटिफिकली सोचेंगे तो जो बंडल होते हैं वो सारे एकदम बहुत निहायत जरूरी और कम संख्या के, दैट मीन्स देयर ओनली 3 to 5 इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज जो कि ऑलरेडी टेस्टेड हैं बच्चों में और देखा गया कि इससे हमारा आउटकम बहुत अच्छा इंप्रूव हो गया, वो करेंगे। एंड चेकलिस्ट आर ऑल दोस डिजायरेबल थिंग्स, कि जरूरी नहीं कि वो अगर हो भी गया तो आउटकम को बहुत अफेक्ट करेगा, दैट मींस इट इज डिजायरेबल। जनरली बंडल आर डन बाय अ सिंगल इंडिविजुअल और अ टीम व्हिच इज टेकिंग केयर, और चेकलिस्ट में क्या है वो लंबी चीज है, तो वी नॉट गेट इनटू दैट। सो बंडल अप्रोच मींस कि एक वो सारी कॉमन एक्टिविटी जिससे हमारे प्रोसेसेस इंप्रूव होंगे, केयर इंप्रूव होगी और आउटकम अच्छा होगा। ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, ये 2004 में इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ केयर इंप्रूवमेंट ने ये बंडल अप्रोच करके बोला कि भाई आपको अपनी क्वालिटी इंप्रूव करना चाहते हैं तो बंडल अप्रोच करके आपको ध्यान रखनी होगी, और उसमें उन्होंने बना के दिया। विल जस्ट स्किप दिस। अगर हम यहां तक, तो अभी तक हमने क्या सोचा, क्या समझा, वैप बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे प्रीटर्म बच्चे न्यूबॉर्न दे आर वेरी वल्नरेबल बिकॉज उनके लिए इमैच्योरिटी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर, और जो हम इंटरवेंशन कर रहे होते हैं उससे वो प्रीडिस्पोज्ड होते हैं वेंटिलेटर एसोसिएटेड इवेंट और वैप होने के लिए।
कैसे हम डायग्नोज करते हैं और कैसे डिफाइन करते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है याद रखने के लिए. हमें ये समझना है कि जब भी बच्चा वेंटिलेटर पे और डिटोरिएट हुआ और प्राइमरी डिटोरिएशन FiO2 बढ़ना या प्रेशर बढ़ने में हो गया, तो हमने बोला हो सकता है इसे वैप होगा. उसके बाद हमने देखा कि ये बहुत कॉमन चीजें हैं कि कैसे हो सकती हैं, और इसे हैंडल करने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट नर्सिंग एक्टिविटी है कि हमें एक बंडल और एक कॉमन गुड प्रैक्टिसेस अगर हम कहें तो उसको बना के अपने यूनिट में उसे करने से हम इस चीजों को कम कर सकते हैं क्या, करेक्ट. तो अगर हम देखें वैप प्रिवेंशन न्यूबॉर्न का, तो ये चार मेजर चीजें हैं जिसे हमें करना होगा. हम एक एक करके स्लोली विल कीप हम एक एक करके इन सब चीजों को देखेंगे. अभी से जो डिस्कशन है वो बिल्कुल आई विल रिक्वेस्ट एवरीवन टू गिव देयर इनपुट्स एंड प्रैक्टिसेस, बिकॉज हो सकता है हमारी यूनिट में कुछ और हो रहा हो, आपकी यूनिट में कुछ और हो रहा होगा, और अगर आपका आउटकम अच्छा है तो इट इज लर्निंग फॉर बोथ ऑफ अस. ओके, सो विल रिक्वेस्ट एवरीवन टू पार्टिसिपेट फॉर इट, बिकॉज नाउ वी आर गोइंग टू गेट इनटू द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ इट. ओके, वी हैव बंडल का कॉन्सेप्ट. सो द फोर प्रोसेसेस, मेजर प्रोसेस अगर सब हेडिंग देखें, सो वन इज ऑफ द फोरमोस्ट इज व्हाट, फर्स्ट इज इन्फेक्शन कंट्रोल मेजर्स, विच विल सी डिलिबरेटेड इन डिटेल कि कहां से इन्फेक्शन कंट्रोल. सेकेंड क्या है, मैनेजमेंट ऑफ सिक्रीशंस एंड टेक्निक्स फॉर सक्शनिंग, बिकॉज अगर बच्चा उस पर है तो सिक्रीशंस होंगे, हम उसे कैसे प्रयोग. थर्ड क्या है, जब बच्चे का वो जो हमने जब पैथोजेनेसिस देखी थी तो क्या देखा था, पूलिंग ऑफ मतलब सिक्रीशंस जमा होंगे तो उनको हैंडल करना हटाना है, बच्चे के पेट में जो भी गैस्ट्रिक कंटेंट होंगे वो अगर ऊपर आके अगर एस्पिरेट करेंगे तो उसे कैसे हैंडल करें. तो थर्ड कंपोनेंट इज दी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एंड ओरोफेरिंजियल इंटरवेंशन जो हम करेंगे. और चौथी चीज क्या है कि एक्सट्यूबेशन प्रोसीजर्स, कि अगर बच्चे को कैसे जल्दी से जल्दी हम एक्सट्यूबेट करें. तो ये चार प्रॉन्ग जो अटैक है या प्रोसेसेस है ये हमें करने हैं, करेक्ट. सबसे पहली चीज क्या है, इन्फेक्शन कंट्रोल मेजर्स. तो अगर बच्चा वेंटिलेटर पे है तो क्या क्या सबसे इंपॉर्टेंट, अगर हम पूछे कि भाई क्या एक चीज सबसे जरूरी है तो क्या करना चाहेंगे सबसे फर्स्ट. एक्सेलेंट, तो सब लोग तो दे आर वेरी गुड. सो द फोरमोस्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज व्हाट, इज हैंड हाइजिंग प्रमोशन एंड कंप्लायंस इन द यूनिट. आपको ऐसा, ये हमें क्या है, हमें जानकारी तो होती है, वी ऑल डू, बट हमें करना है और इस विषय पे यूनिट में रोज चर्चा होनी है कि हाँ ये क्या. साथ में साथ हमें क्या देखना है, किसी आप कोई भी चीज को इंट्रोड्यूस करेंगे तो आप कैसे करेंगे, आप पहले उन्हें समझाएंगे. सो देयर नीड टू बी अ फॉर्मल और अ इनफॉर्मल लेक्चर विच यू विल बी डू. वी नीड टू हैव अ रिटन डिस्प्ले ऑफ द इंस्ट्रक्शंस कि कैसे करेंगे, क्या होने की चाहिए. जहां हाथ धोने का प्लेस है वहां पे आप रिमाइंडर लगा के रखेंगे कि भाई हाथ धोना है, कैसे धोना है, कितने वक्त तक धोना है. और सबके बाद हमें ये खुद को ऑडिट करना है कि हमारे यहाँ, हमारी यूनिट में हमारे लोग जो इन्वॉल्व हैं केयर में, उनकी क्या हैंड हाइजीन प्रैक्टिसेस है. द फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द इन्फेक्शन कंट्रोल मेजर वुड बी अ हैंड हाइजीन प्रमोशन एंड ऑडिटिंग. दूसरी चीज क्या करने की जरूरत होगी, जब आपने हैंड हाइजीन किया और बच्चा वेंटिलेटर पे. सी आई एम एक्चुअली मेकिंग यू ट्यूबुलर ओनली फॉर अ वेंटिलेटेड चाइल्ड. आई एम नॉट डिस्कसिंग कि आप फ्लूइड कैसे बनाएंगे, आई एम नॉट डिस्कसिंग कि आप सेंट्रल लाइन कैसे. हम कब केवल वो जो बच्चा वेंटिलेटर पे है, हम जब उसे हैंडल करेंगे तो कैसे हैंडल करेंगे. तो हमने सबसे पहले हाथ धो लिया, ओके वेरी गुड. और क्या क्या करने से पहले क्या करना चाहेंगे. तो सेकंड चीज क्या है कि जो भी बच्चे के साथ इक्विपमेंट, चाहे वेंटिलेटर ही क्यों ना हो, वेंटिलेटर की ट्यूबिंग ही क्यों ना हो, उसके साथ कुछ और चीजें जो भी है, ये सारे हमेशा हमें हैंडल क्या करना है, स्टराइल टेक्निक से. ऐसा नहीं है कि अभी चलते आए बाहर से आए और आपने उसके ट्यूबिंग में थोड़ी पानी देखी आए और हमने उसको निकाल के हाथ से टच कर दिया. आपने क्या किया, अपने हाथों से वहां पे कोलोनाइजर दे दिया आपने उसे, जो कि बहुत कॉमन होता है. आप बाहर से आए अपना वो जो उसके उसमें से ट्यूबिंग से पानी निकालने के चक्कर में आपने आए दौड़ के, आपने देखा वो वेंटिलेटर की सेटिंग है विदाउट की, उसकी नॉब को दबा दिया आपने, अपने हाथों से उस स्क्रीन पे बैक्टीरियल लोड डाल दिया, आपने ह्यूमिडिफायर का स्विच ऑफ था आपने जाके टच कर दिया, आपने तो ऑलरेडी ऐड कर दिया. सो द हैंड हाइजीन के बाद आपको जो भी हैंडलिंग होती है रूटीन, दैट हैज टू बी स्टराइल हैंडलिंग. चाहे हम वो
कहते हैं ना फाइव मोमेंट्स ऑफ हैंड वॉश में, एक जो होता है ना व्हेन यू आर कमिंग टू द क्लोज टू द पेशेंट एंड मूविंग अवे, जो सिंपल अगर हम देखें तो हमें क्या है ना हाई एंड हाइजीन यूज करना है. सो दिस हैज टू बी वेरी क्लियर. नाउ द अदर इंपॉर्टेंट थिंग्स, आप सब लोग कितने लोग डिस्पोजेबल सर्किट यूज करते हैं? सब लोग पक्का? वेरी गुड. उसको ईटीओ भी करते हैं या उसको रीयूज भी करते हैं ना हम सब? अच्छा, एक्सेलेंट. सो the अदर एस्पेक्ट दैट वुड बी टचिंग अपॉन इन द इन्फेक्शन कंट्रोल मेजर, दैट वी नीड टू हैव द कंज्यूमेबल्स अवेबिलिटी वेरी वेल मेंटेन्ड, विच मीन्स आप अगर रीयूजेबल सर्किट यूज कर रहे हैं तो देर हैज टू बी अ प्रॉपरली डेजिग्नेटेड डिजाइन स्ट्रक्चर प्रोसेस फॉर ईदर गेटिंग इट ऑटोक्लेव और गेटिंग अ ईटीओ डन. करेक्ट. इफ यू आर यूजिंग अ डिस्पोजेबल सर्किट, यूज इट, यूज द डिस्पोजेबल सर्किट. कितने दिनों में सर्किट चेंज करते हैं? टाइमिंग फॉर चेंज ऑफ सर्किट, तो हमने देखा ना, पहले हाथ धोया, हमने पेशेंट के सराउंडिंग को अब टच नहीं करने का उसका सोचा कि भाई हम नहीं टच करेंगे, अभी हम पेशेंट को और करीब जा रहे हैं, बिल्कुल पास में. आपने नई सर्किट लगाई, बच्चे को डॉक्टर साहब ने डिसाइड किया कि अभी इंट्यूबेट करना है, और वो तो आपने क्या किया, सर्किट नहीं खोली और सर्किट कनेक्ट किया ग्लव्स पहन के. तो चार दिन हो गए, अभी सर्किट को चेंज कब करेंगे? कितने लोग कहते हैं कि 7 दिन में बदल देना चाहिए? कितने लोग कहते हैं 2 दिन में बदल देना चाहिए? मतलब मेरा ये है, आप लोग अपनी अपनी यूनिट में सर्किट बदलते हैं, कितने दिन में बदलते हैं? सी मैम, देयर इज नो इनहिबिशन, मतलब मैं एग्जाम नहीं ले रहा हूं, आप जो बोलेंगे मेरे लिए भी लर्निंग होगी कि हाँ वो प्रैक्टिस अगर अच्छा है तो मैं भी उसको अडेप्ट करने की कोशिश करूंगा, और मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा कि हाँ हम क्या करते हैं और किताब क्या कहता है करने को. तो कितने लोग 2 दिन में बदलते हैं? 1 वीक में. वेरी गुड. 1 हफ्ते में सर्किट चेंज कर देने वाले कितने लोग हैं? बाकी लोग जल्दी करते हैं या हफ्ते के बाद करते हैं? 3 डेज में करते हैं. वेरी गुड. तो हम अभी ये डिस्कस कर रहे थे कि अगर वो बच्चा 7 दिन तक वेंटिलेटेड है या 10 दिन तक वेंटिलेटेड है, तब बीच में मतलब वाइल बीइंग केयर्ड फॉर, अगर मान लीजिए 24 घंटे का बच्चा हट गया तो वैसी जरूरत नहीं सर्किट की. कर तो अगर हम साइंस या एविडेंस को देखें या उसमें देखें यूनिट प्रैक्टिसेस को अलग करके, तो वो कहते हैं कि आपको वो सर्किट अगर स्वाइल्ड हो गया या ब्लड हो गया तब तक बदलने की जरूरत नहीं है, बट कुछ यूनिट दे चेंज आफ्टर 7 डेज, सो देयर इज नो नीड फॉर चेंजिंग इट. नाउ सेकंड इज, हाउ डू यू मेंटेन, आप वो सर्किट को क्लीन कैसे करते हैं रोज? नहीं, बच्चे पे सर्किट लगा हुआ है, जो आप सराउंडिंग को क्लीन करते हैं, पैनल लैब उसको क्लीन करते हैं ना, सो तो सर्किट को भी क्लीन करते हैं या केवल वेंटिलेटर के पैनल को क्लीन किया, मॉनिटर के पैनल को क्लीन किया, वेंटिलेटर सर्किट को क्लीन करते हैं? तो ये जो तीसरी चीज है, ये हमें समझने की जरूरत है कि एक तो सर्किट का बदलना, जो सर्किट लगा हुआ है आपको उसे आइडियली हर शिफ्ट में जिस चीज से आप पैनल को क्लीन कर रहे हैं उसे से फ्रॉम पेशेंट टुवर्ड्स द ह्यूमिडिफायर एंड और अवे फ्रॉम दैट हैज टू बी डन इन एवरी. व्हाई डू यू वांट टू डू इट? बिकॉज सी एनीथिंग व्हिच इफ आई हैव कम एंड आई हैव टच्ड दिस सर्फेस, आई हैव कोलोनाइज दिस सर्फेस, नाउ द बैक्टीरिया विल टेक सम टाइम टू गेट मल्टीप्लाइड, बिकम मोर दिस इन नंबर. अगर हम मोचे, अगर हम उससे पहले उसे क्लीन करके हटा दें तो विल नॉट हैपन, बिकॉज बच्चे को कहाँ से इन्फेक्शन मिलेगा? उसी की सराउंडिंग से मिलेगा ना. तो आप अगर उसकी सराउंडिंग में क्लीन करके रखेंगे तो आपको फिर उसे अंदर जाने की मतलब मौका ही नहीं मिलेगा, बैक्टीरिया पहले ही क्लीन कर लेंगे. तो दूसरी चीज वी गॉट डेविएटेड, द सेकंड थिंग वाज कि जो सर्किट का बदलने का गाइडलाइन है वो कहते हैं कि अगर सर्किट क्लीन है और उसमें कोई ब्लड या कोई सिक्रीशन, कई दफा आप सक्शन कर रहे हैं सिक्रीशन उसमें भरा गया, कई दफा आप पल्मोनरी हेमरेज हो गया, मतलब अगर सर्किट स्वाइल्ड नहीं है तो यू कैन कंटिन्यू.
सेकेंड हाउ लॉन्ग टू कंटिन्यू, कहीं लिखा नहीं, कुछ यूनिट 7 डेज के बाद वो चेंज करने की कोशिश करते हैं, बट साइंस सोचेंगे तो जब तक सॉइल ना हो तब तक बदलने की जरूरत नहीं है. नाउ थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी सेड दैट ड्यूरिंग रूटीन एवरी डे आपको हर शिफ्ट में, दैट मीन्स 8 घंटे के अंतराल पे आपको सर्किट को क्लीन करना है फ्रॉम पेशेंट टुवर्ड्स दी ह्यूमिडिटी, मतलब नीचे बाहर की तरफ, उल्टी तरफ नहीं लेके जाना है. नेक्स्ट, ब्रेक इन द सर्किट. मैम हाउ मच टाइम आई हैव, 10 मिनट्स? सो व्हाट शुड बी ब्रेक इन सर्किट का मतलब क्या हुआ? आप एक तो बच्चे का जब सक्शनिंग करेंगे तो आप सर्किट को डिस्कनेक्ट करेंगे, उसके अलावा आप कभी भी सर्किट को डिस्कनेक्ट करते हैं? तो जब भी बच्चे की हैंडलिंग हुई, पोजीशन चेंज हुआ, तो आपने डिस्कनेक्ट करके अंदर यू रिकनेक्टेड. वेरी गुड. व्हाट एल्स? कितने लोग ह्यूमिडिफायर में पानी भरने के लिए सर्किट उठाकर उसमें पानी डालते हैं? अने बिल्कुल करते हैं ना. सो दैट इज द बिगर. हाँ बोलिए बोलिए. Exactly. So at least he's admitting, and we have also done it. It is not that I have any hesitation in saying so that कि हमने नहीं किया है. हम नीचे सर्किट जहाँ से वो humidifier में लगा होता है वहाँ खोलते हैं, एक पानी हो जो भी हम उस बॉक्स में डालते हैं. Correct? डालते हैं. तो कितने लोग डालते हैं खोल के सर्किट को? डालते हैं ना. Correct. So अभी अगर उसको ब्रेक करेंगे सर्किट को, तो क्या कोई भी चीज को ब्रेक करेंगे तो इन्फेक्शन जाएगा. तभी तो हम बोलते हैं ना लाइन को भी मत ब्रेक करो. तो उसी तरह सर्किट को ब्रेक करने की जरूरत नहीं है. कितने लोग स्टराइल वाटर की बॉटल यूज करते हैं? ओह एक्सेप्शनल, वेरी गुड. मैं आपको बताऊं, बहुत सारी जगहों पे हम यूज नहीं करते हैं. तो अगर कोई अच्छी चीज और बहुत सस्ती चीज जिसको हम कहते हैं कि अगर है, तो दिस कॉस्ट ओनली 22 रुपीज. और अगर आप ध्यान से देखें इस फोटो में, तो ये सर्किट में यहाँ पे ये जो बॉटल टंगा हुआ है, दिस इज ऑटोफिल चैम्बर होते हैं. ये स्टराइल वाटर होता है, इससे अपने आप इसमें सर्किट में पानी जाता रहता है. सो ह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस डजंट गेट अफेक्टेड, एंड मोर ओवर यू आर नॉट ब्रेकिंग द सर्किट ईदर फॉर पोरिंग वॉट एवर यू पोर. सम फ्यू पीपल पोर बिस्लरी वाटर, फ्यू पीपल टेक आरओ का वाटर, कुछ लोग. सो द आइडियल थिंग इज दैट इट हैज टू बी स्टराइल वाटर विच शुड बी कनेक्टेड through a autofill chamber to the humidifier, so that you don't touch it. Only thing, when the bottle gets empty, you just have to do the hand hygiene, bottle change karke nahi bottle puncture karna hai. Correct? Okay. So this is the third thing that we have to do. Kitne log disposable laryngoscope dete hain doctor saab ko intubate karne ke liye? Ma'am, sure. नहीं मैम, वो डिस्कनेक्शन नहीं होता है. दैट इज सर्किट इज इन कंटिन्यूटी, जस्ट हैव टू इन कंटिन्यूटी. सेकंड, तो अभी मैम ने एक चीज बहुत अच्छी चीज बोली जो मैं मिस कर गया इनफैक्ट आपको डालना, बिकॉज हम यूज करते हैं. अगर आप सर्किट को देखें तो दिस इज डुअल हीटेड सर्किट, इसमें दोनों में है, तो हमें कोई वाटर ट्रैप की जरूरत नहीं होती है. अदरवाइज आप देखेंगे अगला पॉइंट है जो कंडेंसेट को हटाने का, उसमें विल डिस्कस कि आपके एक्सपिरेटरी लिम्ब जो व्हाइट वाली लिम्ब होती है, एक ब्लू वाली होती है, एक व्हाइट वाली होती है. दिस इज बाय कन्वेंशन. ब्लू मींस दैट इट्स गॉट अ हीटिंग वायर इनसाइड जो कि गर्म होकर हवा को गर्म रखती है. अ वर्ड जस्ट, गर्म हवा ज्यादा पानी रखेगी अपने पास या ठंडी हवा ज्यादा पानी रखेगी अपने पास? कितने लोग बोलते हैं गर्म हवा, कितने लोग बोलते हैं ठंडी हवा, और बाकी लोग बोलते हैं कुछ भी पानी नहीं रखेगा? अगर हम सोचें तो गर्म हवा जो है वो अपने अंदर वाटर, कहते हैं ना वार्म्थ जो है, सो आपको ज्यादा अट्रैक्ट करती है. मतलब मैं यहाँ अच्छी चाय मिले तो मतलब मैं हर बार आने की कोशिश करूंगा. तो वार्म्थ इज ऑलवेज अट्रैक्ट. तो आप जब गर्म हवा होती है तो इट हैज द एबिलिटी टू होल्ड मोर ऑफ अ वाटर. आई विल नॉट गेट इनटू द नेटिविटी. आप सिंपल सोच रहे हैं ना, ठंडे के मौसम में लखनऊ वाले फू करके हवा मारते हैं तो निकलती है ना, भाफ बनता है ना, हम लोग बचपन में खेलते थे. तो वो कहाँ से, वो गर्म हवा शरीर से निकली, जैसे ही ठंडी होने लगती है वो पानी छोड़ देती है, तो वो भाफ बनते हुए दिखता है. तो सेम चीज, तो मैम ने जैसा पूछा, तो सर्किट में जब इंस्पिरेटरी लिम्ब से हवा होती हुई, बच्चे से होती हुई एक्सपिरेटरी लिम्ब में जाती है, तो वहां पे एक वाटर ट्रैप देखा होगा आपने, जो ऐसे खोलते हैं और पानी गिरा देते हैं. करें
अच्छा नहीं, डिस्पोजेबल में भी होगा, अगर सर्किट डुअल हीटेड है तो नहीं होगा। जैसे कि अगर आप इस सर्किट को ध्यान से देखें तो इसमें नहीं, ये एक्सपिरेटरी है, ये जो ऐसे नीचे आ रही है इसमें नहीं है, जो कि सीधा पेशेंट तक जा रही है। लेकिन अगर सिंगल हीटेड होगा तो हमेशा होगा, बिकॉज वो तो नॉर्मल फिजिक्स है, जिसमें कि ठंडी हवा होगी तो थोड़े पानी छूटेंगे ही छूटेंगे। आप अभी जाएंगे तो जरूर ध्यान से देखेंगे कि आपका जो एक्सपिरेटरी लिम्ब है उसके अंदर तार ऐसे घूम रही है क्या, करेक्ट? ओके, सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज रिगार्डिंग द यूज ऑफ लैरिंगोस्कोप दैट वी हैव। हाउ मेनी ऑफ यू यूज, आप कितने लोगों के पास डिस्पोजेबल लैरिंगोस्कोप यूज करते हैं? अगर आज जैसे इंट्यूबेशन का वक्त आता है तो लैरिंगोस्कोप कहाँ से निकालते हैं? नहीं सही, बिकॉज ये छोटी सी चीज, तो हमने अभी एक है ना वो स्टराइल वाटर लगा देना आपका बोलकुल बहुत अच्छा कर देगा। दूसरी चीज आपका ये लैरिंगोस्कोप वाली जो कहानी है, ये मतलब मैं जब से एमडी कर रहा हूँ तब से वो निकलता है वहां से लोहे वाला, उसमें दो बैटरी ठकाठक उसी हाथ से डालते हैं, वो बैटरी तो स्टराइल है नहीं, उसमें डालते हैं ना ऐसे, उसके बाद उसको टाइट करते हैं, उसका वो करते हैं उसी हाथ से छू रहे होते हैं और फिर हम लेते हैं चलिए आप इंट्यूबेट कीजिए, होता है कि नहीं? तो एज इट इज हम यहाँ पे मतलब 100 रुपए का ग्लव्स पहन के खड़े हैं, 3000 की सर्किट खोल के खड़े हैं, गाउन पहन लिया 150 रुपए का, सब काम कर लिया और लास्ट में जो चीज निकाला यूज करने के लिए वो सबसे अनस्टराइल है, होता है ना? तो आप कैसे उसको स्टराइल करके यूज कर सकते हैं? अगर इफ यू हैव वेरी गुड, सो वॉट एवर, तो आप ईटीओ करें तो बैटरी को कैसे ईटीओ करेंगे? वेरी गुड, सो ब्लेड को दो तरीके हैं। अगर आपके पास गवर्नमेंट सप्लाई वाला ब्लेड वाला है और जिसमें आपको बैटरी लगानी है अलग से, तो वो आज की तारीख में डिस्पोजेबल लैरिंगोस्कोप मिलते हैं, आप सब लोग यूज कर सकते हैं। कहने के लिए वो डिस्पोजेबल होता है लेकिन उसको आप मल्टीपल टाइम्स यूज कर सकते हैं, करेक्ट? उसमें ऑलरेडी एलईडी लाइट होती है, इतनी ब्राइट लाइट होती है कि आपको वो जो हम स्ट्रगल कर रहे होते हैं पीली लाइट से वो सब खत्म हो जाती है और आपको बहुत अच्छा। तो अभी डिस्पोजेबल एलईडी, आई विश आई वुड हैव प्लेस्ड अ फोटोग्राफ है, एक ब्लू कलर का, मैं आपको मतलब ब्रांड एम्बेसडर तो नहीं, आप फ्लेक्सी केयर का आप ले सकते हैं, किसी का ले सकते हैं, बहुत ही सुंदर आएगा, करेक्ट? सो द लैरिंगोस्कोप केयर और द यूसेज हैज टू बी वेरी क्लियर। यू विल रियलाइज दैट लैरिंगोस्कोप का यूज जो हम देते हैं वो सबसे मतलब वो बहुत आइडियल नहीं होता है, करेक्ट? सो लैरिंगोस्कोप, ओके। ह्यूमिडिफिकेशन वी हैव जस्ट टच्ड अपॉन दैट, वी नीड टू हैव अ गुड ह्यूमिडिफिकेशन, दोज आर ऑल सर्वो कंट्रोल, मतलब सब कंप्यूटर कह लीजिए या माइक्रोचिप होती है उस मशीन में जो आपको टेम्परेचर फिट कर दिया आपने कि भाई 37 जाना है बिकॉज न्यू बॉर्न है, हम वो वैसे ही करेंगे, करेक्ट? अभी आप जब आप फिशर एंड पिकल या किसी का करते हैं उसमें दो फोटो होते हैं, एक नॉन इन्वेजिव वाला होता है, एक इन्वेजिव वाला, आप सब लोग किस में रखते हैं? तो अभी एक चीज समझना है, बच्चा किसी पे रहेगा, हम सबको इन्वेजिव मोड पे रखना है, क्यों? क्योंकि 37 डिग्री सेंटीग्रेड वही देगा, बाकी आपको कम 34 के करीब देगा, करेक्ट? ओके, ये वेंटिलेशन वाले उसमें आएगा, बट एनीवे जस्ट टू टच अपॉन। स्टराइल वाटर वी हैव ऑलरेडी सीन दैट हैज टू बी यूज्ड। फोर्थ इज रिमूवल ऑफ कंडेंसेट। आप ये बहुत ही कॉमन है, आप वन ऑफ द बेस्ट सर्किट यू यूज, वॉट एवर यू डू यू रियलाइज कि वो पानी में, खासकर एक्सपिरेटरी लिम्ब में पानी जमा हो जाता है, पानी जमा हो जाता है, आप स्टराइल वाटर भी यूज करते हैं बट व्हाट विल हैपन वो आप करेंगे और गलती से सर्किट का जो ग्रेविटेशनल प्लेसमेंट है, दैट मींस कि आप जब सर्किट बच्चे को लगाते हैं तो ऐसा होना चाहिए कि वो ऊपर ऐसे उठ के नहीं जा रहा हो, कई दफा वो पीछे से, आप पीछे से बेट ऐसे कर देंगे तो उसके उसका जो डिपेंडेंट पार्ट होगा, वो जो सबसे नीचे वाला पार्ट होगा, वो बच्चे के ईटी ट्यूब के पास होगा, तो क्या होगा, जो भी दो ट्रिकल होके वो ट्यूब में जाएगा, ट्यूब से अंदर जाएगा, तो जो हमेशा नीचे की तरफ होनी चाहिए, जिसमें कि क्या है, अगर आप देखें तो ये जो डिपेंडेंट पार्ट होगा, ये जहां से बेबी से जो निकल रहा है, ये आपको हमेशा नीचे होना, ताकि यहां से वो पानी अंदर ना जाए, करेक्ट? तो ये आप करेंगे दो दिन और उस पानी को हमेशा 2 to 4 hourly और जब भी आपको दिखाई दे वो हटा देना है उसे, ठीक है? सो इन्फेक्शन कंट्रोल मेजर्स में हैंड हाइजीन सबसे इंपॉर्टेंट, यूजिंग स्टराइल टेक्निक फॉर हैंडलिंग द इक्विपमेंट एंड द बेबी, एंड अवेबिलिटी ऑफ वेंटिलेटर ट्यूबिंग, वेदर डिस्पोजेबल रीयूजेबल इन द स्टराइल फॉर्मेट,
there is no fixed date for change of circuit until it has become soiled or blood stained. No break in service with the use of sterile water and use of either a disposable laryngoscope, or I would put it this way, that whatever you have, laryngoscope cleaning, and what madam suggested that you use, whatever we also used to, ki aap ETO karke, autoclave karke blade rakhenge. But wo kai dafa ho jata hai. To agar us choti si cheez ko karenge, hum wo kaise karenge, wo bhi aage wali ek slide mein aayega. Correct. Okay. So first part we have, okay, another 5 minutes? Yeah. So what the next thing is management of secretions and technique for suctioning. इसमें क्या है, वी हैव टू सी दैट हमें हेड को थोड़ा एलिवेट करके रखना है. जो ओरोफेरिंक्स है, जब मुंह के अंदर जो सिक्रीशंस है, उसे हमेशा हमें क्लियर करना है, क्योंकि हमने देखा कि उसके एस्पिरेशन से निमोनिया हो जाएगा. सक्शनिंग के लिए आप या तो क्लोज सक्शनिंग यूज कर सकते हैं या ओपन सक्शनिंग यूज कर सकते हैं. क्लोज सक्शनिंग मीन्स कि आप अंदर घुसा होता है और आप उसे बस कनेक्ट करते हैं. दोनों के फायदे नुकसान होते हैं. आप क्लोज यूज करेंगे तो क्या किया आपने, आपने इन्वायरमेंटल एक्सपोजर तो कम कर लिया, बट ओरल सिक्रीशंस वहां जमा होकर चले जाएंगे. हम मोस्ट ऑफ द पीपल यू यूज अ ओपन सक्शन. और जब हम ओपन सक्शन मींस कि आप ट्यूब खोलेंगे, उसके अंदर कैथेटर डाल के सक्शन करेंगे. हमें ध्यान क्या रखनी है कि जब भी हम सक्शन करेंगे, हमेशा दो लोग होंगे ईटी सक्शन के टाइम पे, सो दैट देयर इज नो ब्रेक इन सर्विस. वी हैव टू हैव अ सेपरेट ओरल एंड इंडोट्रेकियल दिस थिंग. आप पहले क्या सक्शन करते हैं, इंडोट्रेकियल ट्यूब सक्शन करते हैं, ओरल सक्शन करते हैं, ईटी सक्शन करते हैं ना, हम सब करते हैं. बट दैट इज नॉट द राइट वे ऑफ डूइंग इट, बिकॉज वी आर ट्राइंग टू सेव मनी एंड द कॉस्ट ऑफ दैट 3 rupees ऑफ द सक्शन. आप जब फर्स्ट थिंग हैज टू बी अ ओरल सक्शनिंग, बिकॉज ओरल के अंदर जो जमा सिक्रीशंस है वो अंदर नहीं जाए आपके उस मनूवर में, मतलब आप जब उस प्रोसेस को कर रहे होंगे. करेक्ट. सो द माउथ हैज टू बी फर्स्ट एंड देयर हैज टू बी सेपरेट कैथेटर. उस कैथेटर सक्शन कैथेटर की कीमत 2 rupees है और वैंकोमाइसिन की कीमत 1000 rupees है. करेक्ट. नाउ सलाइन डाल के या स्टराइल वाटर डाल के सक्शनिंग करना हमें अवॉइड करना है या ना करना है, कब करना है वो डॉक्टर साहब आप बताएंगे. ठीक है. सो दिस वी मूव. तो दो चीज हमने देख लिया, इन्फेक्शन प्रिवेंशन, ओरल नर्व केयर. थर्ड इज एक्सट्यूबेशन प्रोसीजर. द आइडियल इज व्हाट, यू डोंट इंट्यूबेट द बेबी, व्हिच इज द मोस्ट, व्हिच इट इज नॉट. बट इफ यू हैव इंट्यूबेटेड, एवरी डे आपको असेस करना है कि बच्चा अपने आप सांस ले रहा है और हम उसे एक्सट्यूबेट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं. सो दैट मींस दैट वी हैव टू बी वेरी अग्रेसिव फॉर एक्सट्यूबेटिंग द चाइल्ड. द फोर्थ एस्पेक्ट इज द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एंड द ओरोफेरिंजियल दिस थिंग. उसमें हमें क्या है कि हमें वो रानिटिडिन का इंजेक्शन उसको नहीं लगाना है, एस2 ब्लॉकर. मुंह को हमेशा हमें क्लीन करते रहना है. अभी क्लीन करने के लिए बहुत अच्छी चीज है, जो पहले 2 महीने के नीचे एक्चुअली क्लोरहेक्सिडिन रिकमेंडेड नहीं होती है. पहले क्लोरहेक्सिडिन अदरवाइज एडल्ट में यूज करते हैं. आप सब लोग यूज करते हैं मुंह में कुछ लगाने के लिए जब भी बच्चा वेंटिलेटर पे होता है? हाँ. सो द बेस्ट थिंग इज द कोलोस्ट्रम दैट वी हैव. ठीक है. इन्होंने स्टडी की और उन्होंने बोला कि कोलोस्ट्रम आप यूज कर सकते हैं. बहुत ही कन्विंसिंग नहीं, बट ठीक है. और साथ में डिसबायोसिस, मतलब जो खराब हो जाए पेट का, तो या तो आप ईबीएम यूज करके अच्छा प्रोबायोटिक या कोई और प्रोबायोटिक यूज कर सकते हैं. तो जस्ट टू समराइज, अगर हम देखें तो क्या क्या है. ये स्लाइड जो हमें बता रहा है कि ये इंटरवेंशन जिसमें कि आप केयर गिवर का एजुकेशन, मतलब बता के, हैंड हाइजीन, ग्लव्स या यूज ऑफ स्टराइल थिंग्स जब भी हम करते हैं, मिनिमाइज वेंटिलेशन, प्रिवेंट गैस्ट्रिक डिस्टेंशन, अवॉइड अनएक्सप्लेन्ड और अनवांटेड इनटू, मतलब एक्सट्यूबेट हो गया गलती से, वो खत्म कर, मतलब प्रोसेस ऐसा रखें कि वैसा ना हो, इलेक्टिव हो सारी चीजें. एंड बाकी चीजें तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया. ओके. वन लास्ट थिंग इज क्वालिटी इंप्रूवमेंट. जब क्वालिटी इंप्रूवमेंट हम बोले, तो जो भी चीजें हमने ये बंडल अप्रोच में सीखा कि हम ये करेंगे, उसको इम्प्लीमेंट कैसे करें और कैसे सस्टेन करें, तो आप छोटे 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 प्रोसेसेस को लेके और क्वालिटी इंप्रूवमेंट स्टडी अपने यूनिट में करके आप चीजों को इम्प्रूव कर सकते हैं. और याद रखने की अगर चीजें हैं तो बस हमें ये स्लाइड याद रखना है, जिसमें जो पैथोजेनेसिस थी उसी आधार पे हमें करना है. तो क्या है, प्रिवेंटिव स्ट्रेटजी, लिमिट अननेसेसरी एंटीबायोटिक्स, रूटीन माउथ केयर, अप्रोप्रिएट हैंड क्लीनिंग, वेयर ग्लव्स व्हेन हैंडलिंग सिक्रीशंस, अवॉइड इंट्यूबेशन इफ यू कैन, और यू शॉर्टन द ड्यूरेशन ऑफ मैकेनिकल वेंटिलेशन, प्रिवेंट एक्सीडेंटल एक्सट्यूबेशन, सक्शन ओरोफेरिंक्स,
limit ventilator circuit changes and manipulations, and elevate head, which is a little doubtful for the newborn, but anyway, we keep it in the 30 to 45 degrees centigrade. Okay.